फिल्म एनिमल से धमाल मचाने के बाद बॉबी देओल ने पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। बॉबी अब कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्में शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। स्टार किड होने के बावजूद भी बॉबी देओल ने काफी स्ट्रगल किया और अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बॉबी ने अलग पहचान भी बनाई। हालांकि वो काफी समय से पर्दे से दूर थे, लेकिन जब उनकी पर्दे पर एनिमल फिल्म से वापसी हुई तो फैंस ने जबरदस्त रिस्पॉन्स किया। अब बॉबी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वो कई फिल्मों में दिखने वाले हैं। एनिमल की सफलता को उन्हें खूब फायदा मिलता नजर आ रहा है। जिन फिल्मों में वो नजर आने वाले हैं, उनमें पहला नाम है फिल्म अपने 2। 2007 में रिलीज हुई फिल्म अपने 20 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसकी कुल कमाई 45 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा बॉबी देओल एनिमल 2 में भी नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में इसको लेकर हिंट्स भी दिए थे और फिल्म के मेकर्स ने भी इसके लिए कमर कस ली है। बॉबी फिल्म कंगुआ में भी दिखने वाले हैं। कंगुआ तमिल सिनेमा की पहली फिल्म है जो मास लेवल पर रिलीज होगी। इस फिल्म में बॉबी देओल मेन रोल में नजर आने वाले हैं। बॉबी देओल साउथ की एक और फिल्म हरिहारा वीरा मल्लू में भी नजर आएंगे। एनिमल की तरह इस फिल्म में भी उनका किरदार एक विलेन का ही होगा। मतलब साफ है, फिल्म एनिमल ने बॉबी को जबरदस्त ब्रेक दिया है और उन्हें इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। ऐसी और अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।